Hi guys, welcome back to my channel. तो ये vlog मैं कार से बनाना शुरू कर रही हूँ. Actually आज संडे है और संडे को हम लोग का वैसा कुछ प्लान नहीं था. मेरा प्लान था मॉर्निंग में खुशबू और तेजल के साथ बाहर जाने का, लेकिन कोई रीजन के कारण हम नहीं जा पाए. तो संडे इज बहुत लेजी डे जाता है हम लोगों का, मतलब मेरा स्पेशली. और संडे का नाम सुन के आप मतलब मेरे को ना बहुत ही ऐसा लगता है यार संडे को क्यों कर रहे हैं प्लान ऐसा वैसा तो लगता है. लेकिन अभी ऑलमोस्ट 4 बज गए हैं और हिस्लप कॉलेज है नागपुर का, तो सॉरी नागपुर में हिस्लप कॉलेज है, वहाँ पे लगा है फ्लावर शो है जो मम्मी और मेरी बहन बहुत टाइम से वेट कर रहे थे उधर जाने का. तो आज उसका लास्ट डे है तो हमने बोला चलो देख के ही आ जाते. तो अभी हम रेडी हो गए और आज नागपुर में उतनी ठंड नहीं है, लेकिन तब भी ले लिया है, जैकेट पहन लिया है इनकेस ठंड बढ़ गई. तो अभी चलते हैं हिस्लप कॉलेज. तो गाइस अभी हम हिस्लप कॉलेज पहुंच चुके हैं. तो यहाँ पे जो हिस्लप कॉलेज का बॉटनी वाला जो कोर्स रहता है उनका ही ये फ्लावर एंड प्लांट शो है जो 10th और 11th को ही था. और टाइम क्या था, 8 to 7 PM का था, दो ही दिन था. तो अभी हम सेकेंड ईयर. राशि पोज मार के बैठी है. अच्छा फोटो ले रही हो. अंधेरा होने लगा है तो लाइट्स वगैरह भी शुरू हो गई है और ये सेकेंड हाफ है. वाओ नीचे से फोटो ले रहे हैं. यहाँ पे बटरफ्लाई बनी हुई है और वो उन्होंने ना प्लांट्स का से दो ह्यूमन बींग्स बनाए हैं. अरे यहाँ के स्टूडेंट्स की पेंटिंग्स आ जो उन्होंने यहाँ पे लगाया है मुझे सबसे अच्छी वाली लगी. बहुत क्यूट है, बहुत फनी भी है. और यहाँ पे लिखा है एवरी फ्लावर इज अ सोल ब्लॉसमिंग इन नेचर. ओके ओके समझ गए. द अर्थ लव्स इन फ्लावर्स. गाइज हम लोग ने थोड़े बहुत प्लांट्स ले लिए, मतलब फ्लावर के प्लांट्स लिए. तो ये मैरीगोल्ड का है जो आपको पता है, ये क्रिसेंथेनम के प्लांट्स है. ये वाला कलर लिया है हमने, बहुत क्यूट सा पर्पल है. और एक डार्क पर्पल भी लिया है, ये वाला शेड है. और मैंने ये कौन सा था, कैलेंडुला प्लांट है ये, इसका भी फ्लावर उगने वाला है. एंड ये मैंने लिया है बेजल का प्लांट क्योंकि मुझे पेस्टो सॉस बनाना है, पता नहीं उगेगा कि नहीं, लेकिन ले तो लिए. गाइस आपने देखा हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग की. टोटल हम लोग का बिल 500 हो गया था क्योंकि हम लोग ने फ्लोरी मिक्स भी दो लिए थे, मतलब वो शायद से मेन्योर जो रहता है वो होता है. तो मजा तो आया. बहुत गर्मी थी, मतलब आज वेदर बहुत ज़्यादा गर्म है, दिसंबर में इतनी गर्मी हो रही तो एक्सपेक्ट नहीं करेगा कोई. तो बहुत अच्छा था उनका एग्जीबिशन. बहुत सारे प्लांट्स आपने देखा, बटरफ्लाई के शेप में भी उन्होंने प्लांट्स रखे थे. एंड क्रिसेंथेनम बहुत सारे थे, मतलब उसका सीजन है तो ऑब्वियसली रहेंगे ही. तो अभी तो ये सब हम लोग हो गया है, बाहर निकल गए हैं. एंड अभी हम लोग जा रहे हैं जूडियो. सोचे ऐसे चक्कर मार लेते, बाहर निकले तो थोड़ा घूम ही लेते हैं. तो अभी चलते हैं जूडियो. कहाँ भाग रहे हो, भाग रहे, भाग गए. कि हम शॉपिंग पे आते हैं ना, मेरे पापा बहुत बोर हो जाते हैं, वो ना एकदम साइड में खड़े रहते हैं. तो बेचारे दया आती कभी कभी, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं, आदत से मजबूर है हम भी. गाइस हमने शॉपिंग कर ली थी, हम रामदास पेट वाले जूडियो में आए थे तो हम लोगों ने बेसिक थोड़ा सामान ले लिया है. तो वो उसका जो भी हमने सामान लिया है वो मैं आपको मेरे दूसरे चैनल में बता दूंगी. तो अभी हम लोग ना जस्ट जूडियो के पास में ही है, बॉन्जाई बाजू में ही है. तो वहाँ पे है एक हैदराबादी डोसे का है एंड पानी पूरी है, पिज्ज़ा यम्मी पिज्ज़ा है, जूस सेंटर है, ये सब है. तो मैं आपको उसका मेन्यू बताती हूँ. हम यहाँ पे खाने के लिए आए तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के डोसा है और जहाँ पे जैन पाव भाजी है, जैन पुलाव है, पानी पूरी है, सेव पूरी है,
अमेजिंग, मैं आपको मेन्यू दिखाती हूँ। अंधेरा हो गया तो ज्यादा अच्छे से लाइट अच्छी नहीं आ रही है। हैदराबादी डोसे का है यहाँ पे, रेट्स बराबर है डोसा का, तो हम लोग ने ऑर्डर किया है पिज्जा डोसा क्योंकि मम्मी ने पहले ट्राई कर चुका है, तो ये 150 का है और हमने ऑर्डर किया है वेज पुलाव जो 120 का है। अभी यही दो चीज ऑर्डर की है, आगे भूख लगेगी तो मंगाएंगे। और मम्मी खाने गई है पानी पूरी, वहाँ पे मम्मी ने खाना था, मेरी मम्मी सपोर्ट के लिए गई है, बस सिर्फ मम्मी को पानी पूरी खाना था। हमारा आ गया है वेज पुलाव जो बहुत टेस्टी दिख रहा है, यम्मी। सो गाइस हम इसे टेस्ट करके देखते हैं ये कैसा है। स्टीम दिख रही है आपको, पुलाव लाइक 5 मिनट्स के बाद आ गया, और उसके 5 मिनट्स बाद आ गया है हमारा पिज्जा डोसा जो बहुत यम्मी दिख रहा है। उसके साथ दो चटनी मिली है, ये वाइट वाली जो हमेशा मिलती है और ये रेड वाली चटनी है जो यम्मी। इसे ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है। तो गाइस मैंने इंस्टाग्राम के वीडियो के लिए ट्राई कर लिया था, मैं आपको भी ट्राई करके बता देती हूँ कैसा दिखता है ये यम। और इसके साथ जैसे मैंने बताया दो चटनी मिलती है, मैं आपको भी खाकर बताती हूँ कैसा लगता है। और हमने ना एक सेव पूरी भी ऑर्डर कर ली थी क्योंकि राशि को खाने की बहुत इच्छा थी। हाँ झूठ, तो इसे भी खा के देखता हूँ। सेव पूरी तो हमेशा एक ही होता। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं घर पे, हम लोगों ने बैटरी लो, माय गॉड। तो हम लोग घर आ चुके हैं, अभी ऑलमोस्ट 7 o'clock होने वाले हैं और हम लोग का पेट एकदम फुल हो गया है, तो खाना तो हम स्किप करेंगे, मतलब मेरा और राशि का तो प्लान है खाना स्किप कर देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ भूख लगती रहती है लेट नाइट, तो देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।